दोस्तों, जब भी अलाउद्दीन खिलजी का नाम लिया जाता है तो उसे सिर्फ उसकी अमानवीयता यानी कि मनुष्यता के अभाव के लिए ही याद किया जाता है। उसके इन युद्धों को जीतने के तरीके की वजह से ही इतिहास उसे एक निर्दयी शासक के तौर पर याद रखे हुए है। खिलजी ने एक सिरे से कई सारे युद्ध लगातार जीते। इन युद्धों में जालौर का युद्ध, चित्तौड़ का युद्ध, नागौर का युद्ध, रणथंभौर युद्ध आदि शामिल है। उसने अपनी सेना और रणनीतियों की बदौलत ही एक लंबे समय तक हिंदुस्तान पर राज किया। दोस्तों, खास बात यह है कि अलाउद्दीन खिलजी की वजह से वहशी मंगोल भारत में अपना कब्जा नहीं कर पाए। ये खिलजी ही था जिसकी वजह से एक या दो नहीं बल्कि 6 बार मंगोलों को अपने पैर पीछे खींचने पड़े। दोस्तों, मंगोल वंश की स्थापना 1206 CE में हुई थी। इस दौरान मंगोल आदिवासियों की काउंसलिंग ने सर्वसम्मति से योद्धा तेमुजिन को अपना नेता चुना। आगे चलकर 44 साल की उम्र में उसे चंगेज खान की उपाधि से सम्मानित किया गया। इस शब्द का अर्थ था शक्तिशाली। मंगोलिया से निकलने वाले ये मंगोल अनपढ़ थे। मंगोलों ने पहले चंगेज खान के नेतृत्व में कई सारी विजय हासिल की। इसके बाद 1227 CE में उसकी मृत्यु के बाद उसके बेटे और पोते के नेतृत्व में पूरा विश्व जीतने की रणनीति भी बनाई। नतीजतन ये विश्व इतिहास में सबसे बड़ा भूभाग अपने अधीन करने में सफल हो गए। इस भूभाग में चीन, रूस, मध्य एशिया, पर्शिया, इराक, सीरिया, अफगानिस्तान, कश्मीर और पूर्वी यूरोप के हिस्से शामिल हैं। मंगोलों की ये प्रवृत्ति रही कि वो कहीं भी राज करने के लिए नहीं रुकते थे। वो एक राज्य में प्रवेश करते थे तो सिर्फ उसे लूटने के लिए। वो जहां जाते वहां मौत का तांडव मचा देते थे, पूरी जगह को तहस नहस कर डालते थे। इसके अलावा वो सुंदर स्त्रियों को अपने हरम में जबरदस्ती रख लेते थे, साथ ही साथ अच्छी कदकाठी और शक्तिशाली पुरुषों को अपनी सेना में शामिल कर लिया करते थे। मंगोलों का एक और नियम था, वो किसी भी राज्य पर आक्रमण करने से पहले उसे चेतावनी जरूर देते थे, साथ ही साथ अपनी मांगों को पूरा करने के बारे में भी कहते थे। दोस्तों, मंगोल चरवाहे थे जो अपनी जीती हुई जमीन पर कभी भी बसेरा नहीं करते थे। उनका उद्देश्य साफ होता था, वो इलाकों से पैसा, खजाने के अलावा सारी नई तकनीकियां लूटा करते थे। वो अपने जीते हुए इलाके में कुछ भी नहीं छोड़ा करते थे। यदि कोई राज्य उनकी मांगों को मान कर पूरी कर देता था तो वो उन्हें बिना किसी तरह का नुकसान पहुंचाए छोड़ देते थे। इसके विपरीत यदि उनकी कोई बात नहीं मानता था तो वो उस राज्य को पूरी तरह से तहस नहस कर देते थे। कर्टिन ने अपनी किताब में मंगोलों के विषय में कहा है कि वो हर चीज को बर्बाद कर दिया करते थे। वो चीज चाहे जीव हो या कोई निर्जीव हो, वो किसी को नहीं छोड़ा करते थे। ये इतने निर्दयी थे कि जाते जाते कुत्ते बिल्लियों को भी नहीं छोड़ा करते थे। उन मासूम जानवरों को भी मौत के घाट उतार दिया करते थे। दोस्तों, आप लोगों को बता दें कि मंगोलों का कोई धर्म नहीं होता था। मंगोल राष्ट्र काफी हद तक धर्मनिरपेक्ष रहा। ऐसे में इस वंश में धर्म का कोई लेना देना रहा ही नहीं। मंगोलों की बर्बरता का सबसे बड़ा उदाहरण है उनका पर्सियन साम्राज्य पर किया गया हमला। इस निर्दयी वंश ने 6 मिलियन लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। दोस्तों, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि उस समय पूरे विश्व की आबादी 400 मिलियन थी। सन 1258 में मंगोल हलाकू खान ने बगदाद पर किए हमले में लगभग 20,000 लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। ये किसी पर यानी कि बड़े बूढ़े बच्चों किसी पर भी दया नहीं करते थे। वो लोगों के घरों, मस्जिदों में ढूंढ ढूंढ कर उन्हें मारा करते थे। वो खून की नदियां बहा दिया करते थे। सन 1266 CE में अलाउद्दीन खिलजी का जन्म दिल्ली में हुआ था। उसने अपना पूरा जीवन भारतीय उपमहाद्वीप में ही गुजारा। इसके साथ ही उसने सन 1296 CE से 1316 CE तक दिल्ली के सुल्तान के रूप में भारत पर राज किया। दोस्तों, एक शासक के तौर पर उसे देखा जाए तो वो एक बेहतरीन योद्धा होने के साथ साथ एक विफल रणनीतिकार भी था, जिसके पास एक बहुत ही बड़ी और कुशल सेना मौजूद थी। खिलजी ने सत्ता अपने चाचा सुल्तान जलालुद्दीन की हत्या करके हथिया ली।
चाचा की मौत के बाद वो खुद दिल्ली के सुल्तान की गद्दी पर आ बैठा। इसके बाद उसने बड़ी तेजी से अपना साम्राज्य फैलाना शुरू कर दिया। इसी कड़ी में उसने कई हिंदू राजाओं के प्रशासित राज्यों पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया, जिसमें गुजरात समेत पंड्या किंगडम, रणथंभौर आदि शामिल है। जब भारत में खिलजी का शासन था, उस समय मंगोलों ने हमला किया। चगताई खनाते के मंगोलों के अंतर्गत दुआ खान ने भारतीय उपमहाद्वीप पर हमला करने की कोशिश की। हालांकि इससे पहले भी हमले की कई कोशिशें की गई थी। चूंकि पहली बार मंगोलों ने इतने बड़े स्तर पर हमला किया था, इसलिए ये महत्वपूर्ण हो गया। इतिहासकारों ने कहा कि भारत की किस्मत अच्छी रही कि मंगोलों ने उस समय बड़ा हमला नहीं किया, जब अलाउद्दीन खिलजी जैसा शक्तिशाली योद्धा राज कर रहा था। खिलजी ने न सिर्फ एक बार बल्कि 6 बार मंगोलों को भारत में कदम रखने से रोक दिया। मंगोलों ने पहली बार सन 1298 सीई में हमले की कोशिश की। इस हमले में उन्होंने करीब 1,00,000 घोड़ों का भी इस्तेमाल किया। इसके जवाब में अलाउद्दीन खिलजी ने अपने भाई उलूग खान और जनरल जफर खान के नेतृत्व में अपनी सेना भेजी। खिलजी की सेना ने मंगोलों को इस युद्ध में करारी शिकस्त दी। जीत के साथ ही करीब 20,000 सैनिकों को युद्ध बंदी भी बना लिया गया, जिन्हें बाद में मौत की सजा दे दी गई। अपनी हार के 1 साल बाद एक बार फिर से उन्होंने भारतीय उपमहाद्वीप पर हमला किया। इस बार भी जफर खान के नेतृत्व में सेना खिलजी ने जीत हासिल की। दोस्तों, अपने खोए हुए किलों को उन्होंने आसानी से वापस पा लिया। लगातार हो रही अपनी हार से दुआ खान एकदम झल्ला उठा था। उसने एक बार फिर से अपने बेटे कुतुलग ख्वाजा के नेतृत्व में 2,00,000 सेना को हमले में भेज दिया। दोस्तों, इस बार उसने दिल्ली की सल्तनत को खत्म करने का पूरा इरादा कर लिया। इस बार उसने तैयारी के साथ सेना को भेजा। कहते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी के सलाहकार भी इस बार डर गए और उसने खिलजी को युद्ध ना करने की सलाह भी दी। लेकिन खिलजी बिल्कुल भी भयभीत नहीं हुआ और उसने अंत समय तक लड़ने का फैसला किया। दोस्तों, आपको बता दें कि इससे पहले खिलजी के चाचा जलालुद्दीन ने मंगोलों की मांगों को मानते हुए युद्ध का फैसला नहीं किया था, लेकिन अलाउद्दीन को झुकना पसंद नहीं था। अलाउद्दीन का आमना सामना मंगोल कुतुलग ख्वाजा से किले पर हुआ। साथ ही यही वो दिन था जब खिलजी ने एक बार जनरल जफर खान की वजह से जीत हासिल कर ली। इस तरह हार की वजह से मंगोल पीछे हट गए और वापस लौट गए। दोस्तों, दुआ खान कभी भी अपनी हार को नहीं भूला था। उसने सन 1303 सीई में 1,20,000 सेना के साथ दोबारा हमला किया। इस बार ये हमला जनरल तारा घाई के नेतृत्व में किया गया। दोस्तों, रोचक बात तो यह है कि इसी समय अलाउद्दीन चित्तौड़ की लड़ाई को अभी जीता ही था। उसने इस युद्ध में जीत तो हासिल की, लेकिन बहुत भारी क्षति भी झेलनी पड़ी। ऐसे में जनरल तारा घई ने हमला बोल दिया, लेकिन इस बार भी वो खिलजी की सेना को घेरे में नहीं घेर पाए और उनके घेरे को तोड़ नहीं पाए। लगातार 2 महीने तक कोशिश करके वो थक हार कर वापस लौट गया। इसके 2 साल बाद मंगोलों ने एक बार फिर घुसपैठ की नाकाम कोशिश की। दुश्मनों के 20,000 घोड़े जब्त कर लिए गए। दुश्मनों की सेना का सारा सामान ढूंढ निकाला गया और 8,000 युद्ध बंदियों को दिल्ली लाया गया। जनरल अली बेग और जनरल तरताक के सिर को कलम कर दिया गया। आखिरी बार दुआ खान ने 1306 सीई में हमला किया, लेकिन इस हमले में भी वो नाकाम रहा। अलाउद्दीन के समय में मंगोलों के सबसे अधिक और सबसे भयंकर आक्रमण हुए, किंतु उसने मंगोलों के विरुद्ध सफलता प्राप्त की। मंगोल आक्रमण से निपटने के लिए अलाउद्दीन ने रक्त और तलवार की नीति अपनाई। मंगोलों के विरुद्ध बलबन ने रक्षात्मक उपाय करते हुए विस्तारवादी नीति को त्याग दिया था, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने मंगोल आक्रमण से राजधानी दिल्ली की रक्षा की और अपना विजय अभियान भी जारी रखा। मंगोलों से रक्षा के लिए उसने पुराने किले की मरम्मत कराई और नए किलों का निर्माण करवाया।
सीमाओं की रक्षा के लिए योग्य और विश्वास पात्र अधिकारियों को अध्यक्ष नियुक्त किया गया। हथियारों के निर्माण के लिए नए कारखाने स्थापित किए गए। अलाउद्दीन का सौभाग्य ये था कि उसे नुसरत खां, उलूक खां, अलग खां, जफर खां और मलिक काफूर जैसे योग्य सेना नायकों की स्वामी भक्ति प्राप्त थी। इस कारण अलाउद्दीन मंगोलों के विरुद्ध सदैव रक्षात्मक नीति का अनुसरण ना कर आक्रामक नीति अपनाई और उन्हें पराजित किया। जफर खान और उसके साथी 5,000 मंगोलों को मारने में कामयाब रहे, जबकि उनके केवल 800 मारे गए। इसके बाद जफर खान ने अपने 200 जीवित सैनिकों के साथ आखिरी रुख खड़ा किया और उसके घोड़ों को काट दिया गया, जिसके बाद वो पैर पर लड़ा और वो एक तीर से मारा गया था, जिसने उसके कवच को चीर करके और उसके दिल को छेद दिया। जफर खान की मौत ने दिल्ली अधिकारियों के बीच निराशा भी पैदा कर दी थी। अलाउद्दीन के शासनकाल के दौरान लिखे गए शाही इतिहास में जफर खान का नाम शामिल था। मंगोलों ने 1303, 1305 और 1306 में फिर से भारत पर हमला किया, लेकिन दिल्ली सल्तनत सेना को हराने में नाकाम रहे। ऐसे में अलाउद्दीन खिलजी ने वो कारनामा कर दिया जो विश्व में कोई भी नहीं कर पाया, क्योंकि मंगोलों को उस समय खिलजी ने लगातार हराने के बाद अपनी बेहतर सेना और बहादुरी का परिचय अवश्य दिया था। तो दोस्तों, क्या आपको मंगोलों का रियल इतिहास पहले से पता था या फिर नहीं, इस बात का जवाब हमें नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।